आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना गभाना के अंतर्गत सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर पचपेड़ा मोड़ के पास अलीगढ़ की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और कई लोगों का काल बन गया। पचपेड़ा मोड़ के पास तेज गति से आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर चला गया। बेकाबू ट्रक ने इस दौरान उल्टी दिशा से आ रहे तीन वाहनों को एक साथ रौंद दिया। दूसरी ओर से आ रही एक स्कूटर, एक कार और एक टेम्पो को कुचलते हुए ट्रक आगे निकल गया। हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो व कार में सवार बच्चों समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। देखते ही देखते सड़क पर रोने कराहने की आवाज गूंज उठी। स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद सूचना मिलते ही पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का भाकरी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुबह ड्यूटी से आए थे घर को, पर रास्ता में पचपेड़ा पर एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले से। कितने लोग थे? दो ही जने के थे। स्कूटी पर एक गाड़ी और मारी वन ट्रक वाले, छः सात जने। आपके पिताजी किस चीज़ पर थे? स्कूटी पर थे? स्कूटी पर दो लोग सवार थे सर। हाँ। तो जो दो स्कूटी पे थे उनकी हादसे में वहीं तत्काल मौत हुई थी। यहाँ लाए कहीं मलकान जी ने मां मना कर दी। कितनी चीज़ों में घुसा था डंपर? एक स्कूटी में घुसो, एक गाड़ी में। ये देखिए, ये गभाना में पचपेड़ा गांव है। ये अलीगढ़ से दिल्ली साइड को जा रहा है, ट्रक जा रहा था। तो एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी, उस महिला को बचाने के उद्देश्य से ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ने का प्रयास किया, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई या डिवाइडर से टकरा गई। तो उसमें सोचते जो है डिसबैलेंस के बाद से तीन जो और गाड़ियाँ हैं, एक स्कूटी है, एक ऑटो है, एक कार है, उसको उसने टच किया, उसमें वो डैमेज हो गया। जो कार सवार, जो स्कूटी सवार जो दो लड़के थे, एक राम कुमार था उसका लड़का था, वो दोनों की दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। इसमें कुल सात लोग और इंजर्ड हैं, मतलब कुल नौ इंजर्ड थे, जिसमें दो की डेथ हो गई और सात अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया है, गाड़ी पुलिस की कस्टडी में है, ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी सब वहाँ मौके पर जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम पंचायतनामा करा करके बाकी विधि करवाई इसमें की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।